गाइस, दिस इज कुसुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम्स कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बनारसी साड़ी हॉल। तो मैंने हर प्राइस रेंज की साड़ी परचेज की है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड इस वीडियो के लिए, स्पेशली इस वीडियो के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी साड़ी दिखाऊंगी, आज तक जितने भी हॉल्स मैंने किए और जितने भी आपको मैंने कपड़े दिखाए हैं उनमें से सबसे ज्यादा मुझे ये साड़ी पसंद आई है। बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। बस मैं अभी यही बता सकती हूँ आपको, बाकी आप खुद ही देख लेंगे आगे वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड उसके साथ जो बेल आइकन दिए गए उसे भी जल्दी से प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप वीडियो देख सके। तो चलिए जल्दी से आप वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको इस वीडियो में हर प्राइस रेंज में जो है बनारसी साड़ी मिल जाएगी। तो ये वाला जो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, और उसमें जितने भी मैं प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी वो भी आपको जरूर पसंद आएंगे। सबसे पहले आपको दिखा रही थी मैं किन साड़ियों की बात कर रही हूं। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूं, ओह गॉड, बहुत भारी है ये वाली साड़ियां। ये देख सकते हैं, ये सारी ही बनारसी साड़ी है। आप पैकेजिंग से देख ही सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी की साड़ी होने वाली है। एंड इसमें से कुछ साड़ी मैंने परचेज करी है मिंत्रा से, एंड कुछ साड़ी मैंने परचेज की है अमेजोन से। यस, तो सबसे मैं कम प्राइस रेंज वाली साड़ी आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये भी देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा प्रिटी है। एंड रेफरेंस के तौर पर जिस मॉडल ने इसे पहन रखा था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने ये साड़ी ट्राई करने के लिए सोची। और आप देख सकते हैं, ये देखिए क्वालिटी तो आपको नज़र आ ही रहेगी, और इस प्राइस रेंज में ये क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही लगी मुझे। तो ये इस तरह की साड़ी है, इस साड़ी पे आपको इस तरह का प्रिंट मिल जाएगा और इस पर इस तरह का ब्राइट येलो, सिल्वर एंड पिंक कलर का जो है आपको कलर कॉन्ट्रास्ट में प्रिंट मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, ओह इसका ब्लाउज काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। ये देखिए, ये इसका ब्लाउज दिया गया साड़ी में, एंड ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा स्टिच करवाने के बाद। तो ये ब्लाउज तो मैं पक्का स्टिच करवाने वाली हूँ। इस तरह के सिंपल सोबर ब्लाउज बहुत अच्छे लगते हैं, और ये काफ़ी साड़ी के साथ आप इसे पेयर भी कर सकते हैं। तो ये गोल्डन कलर है ऊपर की तरफ, और ये हल्के हल्के जो है कलरफुल डॉट मिल जाएंगे, और नीचे की तरफ से ये साड़ी इस तरह से है। ये देखिए, इस तरह का प्रिंट मिल जाएगा आपको ऑल ओवर साड़ी में, इस तरह का प्रिंट मिल जाएगा। ये देखिए, ये चारों तरफ इसके पल्लू के सेम ये फ्लावर वाला प्रिंट मिल जाता है। ये देखिए, तो इस साड़ी का जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लाइक वो एकदम स्टिफ रहता है, खड़ा खड़ा कपड़ा रहता है, ये उस तरह का नहीं है। तो आप इससे इजीली ड्रेप भी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हल्की फुल्की साड़ी है एंड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी इसका फैब्रिक। तो मुझे तो ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इसके प्राइस को देखते हुए। तो ये आप छोटे मोटे फंक्शन में तो इसे वेयर कर सकते हैं, अगर आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं, तो भी आप इसे वेयर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा शाइन भी आ रहा है इस साड़ी में। तो मेरी तरफ से तो इसको थम्स अप है, आप इसे ट्राई करना चाह रहे हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, मुझे तो ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और इन सभी के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो अगर आप इनमें से कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ सेकंड साड़ी जो इससे थोड़े से ज़्यादा प्राइस रेंज में। सो दिस इज़ द नेक्स्ट साड़ी दैट आई परचेज्ड। तो ये ब्लैक एंड गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन में आपको ये साड़ी मिलेगी। ये देखिए, और ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पहनने के बाद, एंड गोल्डन कलर का जो है इसमें जरी से ये जो वर्क किया गया है, जरी से ही है, राइट, प्रिंट नहीं है एक्चुअली, धागे से काम किया गया है। तो ये क्या है, ये क्या चीज़ है भाई, ये ब्लाउज पीस तो नहीं हो सकता इसका, इतना सा तो क्या ब्लाउज पीस होगा तो ब्लैक कलर का होगा। अगर इसका मुझे ब्लाउज पीस नहीं मिला तो मैं उसकी जो पिक है वो मैं ऐड कर दूंगी स्क्रीन पर। तो आप तो इसे दोनों तरफ से पहन सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह से पहन सकते हैं इसे, इसमें कोई धागा वागा तो दिख नहीं रहा। ये देखिए, इस तरफ से पहनना चाहे तो इस तरफ से भी पहन सकते हैं, अगर आप इसको इस तरफ से पहनना चाहे तो इस तरफ से भी पहन सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये ऊपर की तरफ से इस तरह का बॉर्डर मिलेगा आपको। ये देखिए, तो ये इस तरह की साड़ी देख सकते हैं, पूरी साड़ी पे आपको इस तरह की बूटी मिल जाएगी, ऊपर की तरफ से ये बॉर्डर दिया गया है और नीचे की तरफ से ये ब्रॉड बॉर्डर मिल जाता है, और ये ऑल ओवर साड़ी में इसी तरह का है। एंड इसमें आपको इस तरह का पल्लू मिल जाता है, ये इसका पल्लू है। ये देखिए, ये इस तरह के ये मैंने खुद ने इसमें लगाए हैं। ये चीज़ें तो आप भी कर सकते हैं किसी भी साड़ी में ही, तो आपको तो पता ही है मुझे इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये चीज़ मुझे बनानी आती थी तो ये मैंने इसमें लगा दी। तो मुझे इसके बाद ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा और भी अच्छी लग रही है। पहली वाली साड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट फैब्रिक में थी, तो इसका जो फैब्रिक है थोड़ा सा थिक है उससे, तो गर्मी में तो हो सकता है कि आपको इसमें गर्मी लगे।
नेक्स्ट साड़ी है ये इस तरह के बॉक्स में आती है, अगर किसी को गिफ्ट करना चाहे तो आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये इस तरह के ब्राइट ऑरेंज कलर की साड़ी है, आप देख सकते हैं। फेस्टिवल के एंड पार्टी वगैरह के टाइम पे ये साड़ी एकदम परफेक्ट है, ये कलर भी एकदम परफेक्ट है। तो ये ऑरेंज एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में है, ये फूशिया पिंक है कलर। तो ये है इसका ब्लाउज पीस और इस पर इस तरह का गोल्डन कलर से ये नो जरी धागे से वर्क किया गया है। वाओ, ये तो मोरनी बनाई गई है, देखिए जो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही है। ओ वाओ, तो ये साड़ी तो मैं डेफिनेटली रखने वाली हूँ, ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है साड़ी, ऊपर की तरफ से आपको ये वाला बॉर्डर मिल जाता है, ये देखिए गोल्डन कलर का। एंड पूरे ही साड़ी में इस तरह का यू नो वर्क है, ये देख सकते हैं पुटियाँ पुटियाँ छोटी सी बनाई गई है। तो ये इस तरह का वर्क है और ये आई थिंक ये शिफोन या कौन सा फैब्रिक, मैं एग्जैक्ट फैब्रिक जो है इसका मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये इस तरह की साड़ी है और नीचे से इस पूरी ही साड़ी में ये मोरनी बनाई गई है गोल्डन कलर के धागे से, ये देख सकते हैं। और नीचे इस तरह का बॉर्डर दिया गया है। तो ऑल ओवर साड़ी है इसी तरह की, प्लेन साड़ी है बाकी। और ये है इसका पल्लू, ये देखिए इसका पल्लू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये देखिए। तो इस तरह का फूशिया पिंक कलर का इसका पल्लू है और ये चीज़ आपको करवानी ही पड़ेगी। अब इसका फैब्रिक मालूम नहीं है, आई थिंक ये मुझे प्योर का फैब्रिक लग रहा है कोई, लेकिन नहीं भी है तो भी इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप न्यूली मैरिड है या फिर आपकी शादी होने वाली है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रीटी है। किसी फेस्टिवल के लिए अगर आप कोई लेना चाहते साड़ी तो यस, आप इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। ये अब मैं जो दो साड़ी आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने मिंत्रा से परचेज़ की थी, जो अभी जो सेल चली थी ना उसमें ये मैंने परचेज़ की थी। और फर्स्ट साड़ी है ये साड़ी एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से लेना चाहती थी, लेकिन इसके जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होते रहते थे। तो मैं चाहती थी जिस प्राइस रेंज में मैं चाहती थी इसे लेना, वो प्राइस रेंज जब आएगा तो मैं इसे परचेज़ कर लूँगी। और जैसे ही वो प्राइस आया तो मैंने इसे तुरंत परचेज़ कर लिया। ये स्टॉक आउट बहुत जल्दी हो जाती है, अगर आप ये स्टॉक में हैं आप चेक कर लीजिएगा, तो आप इसे तुरंत परचेज़ कर लीजिएगा, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करने वाले। नेक्स्ट साड़ी आप देख सकते हैं, ओ माय गॉड, इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, साड़ी का फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लाइक बहुत ज़्यादा मोटे वाला भी नहीं, जैसे वो ब्लैक साड़ी थी उसका थोड़ा सा थिक फैब्रिक था, तो हो सकता है कि उसमें आपको थोड़ी सी गर्मी भी लगी, लेकिन ये फैब्रिक एकदम सही है। ये है इसका पल्लू, ये देख सकते हैं गोल्डन एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में। तो ये ब्राइट पिंक कलर की साड़ी है, ये रानी कलर भी नहीं है, ये ब्राइट पिंक कलर की साड़ी है। इसका भी पल्लू मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ये देख सकते हैं। और पूरी ही साड़ी पे आपको इस तरह की बूटियाँ मिल जाती है और ऊपर की तरफ से आपको ये बॉर्डर मिल जाता है, ओके। और नीचे की तरफ से भी ये सेम बॉर्डर मिल जाएगा आपको, ये देखिए। बाकी पूरी साड़ी इसी तरह की है, ये साड़ी तो मस्ट बाय है, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आप मार्केट में भी परचेज करने जाएंगे तो इस तरह की साड़ी आपको इस प्राइस रेंज में नहीं मिलेगी। ये इसका ब्लाउज पीस है, ये देखिए प्लेन, ये शायद आप इसके स्लीव्स में और ये फ्रंट साइड में लगवा सकते हैं। तो इसका जो ब्लाउज है, आप जितना सिंपल सोबर इसका ब्लाउज सिलवाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। एल्बो तक की स्लीव का जो ब्लाउज है इसके साथ बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा डीप नेक के साथ। तो ये थी हमारी नेक्स्ट साड़ी, बाकी ये साड़ी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा अच्छी लगी साड़ी। माई गॉड, आई कांट वेट टू वेयर दिस सीरियसली। जल्दी से कोई फेस्टिवल आए, इनमें से कोई भी एक साड़ी मैं दिवाली को पहनने वाली हूँ और आपके साथ पिक भी जरूर शेयर करूंगी इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करती हूँ कोई भी पिक, जो भी मैं कोई भी नई चीज परचेज करती हूँ लाइक क्लोदिंग में। मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट साड़ी, जो इस पूरे होल में मेरी जो सबसे फेवरेट सब साड़ी है वो है ये। तो इस तरह की पैकेज में आती है और ये है इंडस ब्रांड की, ओके, इंडस ब्रांड की जो है साड़ी है, देखिए, ओके, ओ, ये इसमें काफी ज्यादा वेट है। तो ये इस तरह से ब्राइट रेड कलर की साड़ी आप देख सकते हैं,
आपको पता है थोड़े दिनों में अब करवा चौथ भी आ जाएगा, तो उसके लिए जो साड़ी एकदम परफेक्ट है। अगर आप भी कोई करवा चौथ के लिए साड़ी लेना चाहते हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। यस, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो मेरा तो काम हो चुका है, मुझे अब कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी शादी होने वाली है या आप न्यूली मैरिड है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रीटी लगने वाली है। तो इसका पल्लू जो है पहले से ही तैयार किया हुआ है, तो मैं आपसे पहले पल्लू ही दिखा देती हूँ। ओके, काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा इसका इसका जो है पल्लू, ये देख सकते हैं आप इसका काम, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इसके पूरे पल्लू में लटकन मिल जाएंगे आपको, ये देखिए, जो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग। ऊपर की तरफ से आपको इस साड़ी में इस तरह का बॉर्डर मिल जाता है, पूरी साड़ी में ये सेम बूटियाँ बनाएंगे, ये देख सकते हैं आप, देख ही पा रहे होंगे इसकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है। और ये देखिए, ये साड़ी का जो है नीचे वाला बॉर्डर दिया गया है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड बॉर्डर है जिससे इसकी प्लीट्स काफ़ी ज़्यादा सही लगती है। ये देखिए, अभी तो हम शादी में जा भी नहीं सकते, लेकिन आपकी खुद की शादी है तो आप ट्राई कर सकते हैं साड़ियाँ, राइट। तो ये देखिए, ये इस तरह का जो है इसका बॉर्डर दिया गया है नीचे से, और ये है इसका ब्लाउज पीस, ये देखिए, तो इसका ब्लाउज भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, ये देखिए, ये स्लीव्स में लगवा सकते हैं आप ये बॉर्डर, एंड ये इसका ब्लाउज पीस है, ये देखिए। ये थी हमारी इस हॉल की लास्ट साड़ी, बहुत ज़्यादा क्लासी लुक आता है इसको पहनने के बाद। अगर आप किसी और तरह की साड़ी या किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, तो मैं उसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। यस सोफी, तो ये था आज का हमारा बनारसी साड़ी हॉल। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, अगर आपको ये पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर सकते हैं, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। एंड जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये हॉल कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय।